Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Story College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a basic topic under educational sociology, that is difference between sociology of education and educational sociology. Okay, and this topic will be useful for various competitive examinations as well as for your basic conceptual understanding too. So let's start, and do subscribe my channel too, and the lecture will be in bilingual mode as usual. इस टॉपिक पर पहले बात हो चुकी थी आपसे, लेकिन इसमें एक माइनर करेक्शन था, इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि वो करेक्शन हो जाए और कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड भी किए, तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू. तो सबसे पहले हम क्यों ये वीडियो बनाया, क्यों ये बातचीत आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें सॉरी एक जैसी लगती हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशियोलॉजी. ज़्यादा मूलभूत अंतर नहीं समझ में आता दोनों में, और हिंदी में हम उसको जनरली शिक्षा का समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है. मैं हमेशा, मुझे ये बात लगती है कि अलग चीज़ है तभी नाम अलग है, नहीं तो दोनों को एजुकेशनल सोशियोलॉजी बोल देते, दोनों को सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बोल देते, नहीं बोल रहे हैं, किस एक कंसेप्ट को सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बोला जा रहा है, यानी कि शिक्षा का समाजशास्त्र, और एक को बोल रहे हैं शैक्षिक समाजशास्त्र. तो क्या अंतर है, तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें, फिर दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं. तो अगर हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो पहले बात करें सोशियोलॉजी की. भाई सोशियोलॉजी जानेंगे तभी तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जानेंगे. तो फ्रेंच फिलोसोफर अगस्त कॉम्टे ने 1837 में सबसे पहले सोशियोलॉजी का टर्म दिया, समाजशास्त्र का दिया. जो बेसिकली समाजशास्त्र के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, वो जानते हैं ये बात, इसमें कोई नई बात नहीं है. बाई सोशियोलॉजी ही मेंट, उन्होंने सोशियोलॉजी से क्या अर्थ निकाला, उन्होंने कहा कि ये क्या है, किसको आप समाजशास्त्र कहेंगे. द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, यानी कि समाज और व्यक्ति के बीच का जो अंतर संबंध है उसके अध्ययन में हम वैज्ञानिक विधि का अगर एप्लीकेशन करते हैं, मतलब वैज्ञानिक विधि के एप्लीकेशन के अनुप्रयोग से अगर हम व्यक्ति और समाज के बीच के अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, वही समाजशास्त्र है. ये उन्होंने 1837 में ये टर्म दिया और इस तरीके से सोशियोलॉजी को डिफाइन किया. और अगर हमको हिस्टोरिकल रूट्स देखें, मतलब जड़ें देखें, कहाँ मिलती है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे, कौन बात कर रहा है, तो एज ओल्ड एज प्लेटो एंड सोक्रेटिस, मतलब प्लूटो और सुकरात, क्या मतलब वो लोग दार्शनिक थे, क्या वो कह गए, कौन सी ऐसी हमारी एजुकेशन की, किसी भी प्रकार के डिसिप्लिन की कौन सी ऐसी विधा है जिसकी जड़ें उन तक नहीं मिलती. पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए आप, हिस्ट्री ले लीजिए आप, फिलोसफी ले लीजिए आप, साइकोलॉजी ले लीजिए आप, मतलब इथिक्स ले लीजिए आप, क्या सोशियोलॉजी, मतलब सब कुछ क्या लिख गए वो, कि अभी तक उसका इंटरप्रिटेशन होता है, समस्या समझा जाता है ना, तो है. तो ये मतलब बहुत ही उम्दा दार्शनिक हुए ये लोग, बहुत उन्होंने ऐसी बातें की जिनको साधारण जन हम लोग आज तक समझने की कोशिश करते हैं. तो हिस्टोरिकल रूट्स जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का हमको मिलता है वो प्लेटो और सुकरात की राइटिंग में मिलता है, वहां से ट्रेस किया जा सकता है. मतलब इन्होंने हेडिंग डाल के नहीं लिखा कि ये सोशियोलॉजी है, ये फिलोसफी, इनकी राइटिंग से निकलता है, उसके इंटरप्रिटेशन से निकलता है. Who recognized the social significance of education and its possible role in supporting the state? भाई ये लोग राज्य की बात करते थे ना, इसलिए political science में mainly पढ़े जाते हैं. तो who recognized the social significance of education? मतलब इन्होंने पहचाना कि जो शिक्षा है उसकी सामाजिक महत्ता है. क्यों? क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति शिक्षित हो रहा है और शिक्षित व्यक्ति समाज में contribute कर सकता है, ये महत्ता है. And its possible role in supporting the state. और वो राज्य को support में क्या role play कर सकती है education? ओके, देन इन मॉडर्न टाइम्स अगर हम थोड़ा आधुनिक काल में आते हैं, तो हम देखते हैं कि सोशल स्टडी ऑफ एजुकेशन वाज स्टार्टेड फर्स्ट बाय द फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट इनील दुर्खिम. आपने दुर्खिम का भी नाम सुना होगा, इन्होंने सुसाइड पे इनका काम है. टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब इनील दुर्खिम आए, उन्होंने भी सोशल स्टडी ऑफ एजुकेशन पर बात की. फिर दुर्खिम ने कैसे देखा है एजुकेशन को, ही व्यूड एजुकेशन एज अ प्रोसेस विच हेल्प्स इन द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर बाय मोल्डिंग द यंग इंडिविजुअल इन अ सोशल इमेज. सॉरी, दुर्खिम शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं जो
क्रिएट कर सकती है और मेंटेन कर सकती है. क्या? सोशल ऑर्डर, मतलब सामाजिक क्रम, यानी कि शिक्षा की मदद से, शिक्षा की सहायता से हम एक सामाजिक क्रम का निर्माण कर सकते हैं और उसको बना के रख सकते हैं. कैसे? अगर हम यंग इंडिविजुअल को एक सोशल इमेज में मोल्ड करते हैं, यानी कि यहीं से आप इसको, आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समझ सकते हैं, सोशलाइजेशन समझ सकते हैं, सामाजिकरण हो जाता है ना हमारा, शिक्षा करती है, परिवार करता है, बहुत सारी एजेंसीज करती हैं. तो ये तरीके की बातचीत हो रही है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को लेकर. एजुकेशनल सोशियोलॉजी पे क्या बात चल रही है? जॉर्ज पेन हैज पब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड आउटलाइन इन 1928. देखिए 100 साल होने वाला है ना, लगभग 2022 चल रहा है, मतलब लगभग 100 साल पहले एजुकेशनल सोशियोलॉजी के मूलभूत सिद्धांत एक रूपरेखा करके जॉर्ज पेन एक किताब लिख रहे हैं 1928 में. यही गलती हो गई थी पिछली बार, ये 1923 हो गया था एक्चुअली, वो लिखने में 3 और 8 लगभग एक जैसा लगता है, तो वो गलत गलती को सुधारने के लिए मैंने इसको फिर से रिकॉर्ड में कर रही हूँ, है ना, ताकि गलत चीजों का प्रसार ना हो. तो जॉर्ज पेन 1928 में ये किताब लिख रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी. ही एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इन द स्कूल ऑफ एजुकेशन इन द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी. देखिए तब वो जब ये बात कर रहे हैं, जब उन्होंने एजुकेशनल सोशियोलॉजी के सिद्धांत की किताब लिखी, फिर वो एक डिपार्टमेंट भी बनाते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी के नाम से, शैक्षिक समाजशास्त्र का विभाग. ही वॉज फाउंडिंग एडिटर ऑफ द जर्नल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी. फिर वो एक एजुकेशनल सोशियोलॉजी का जर्नल भी निकालते हैं, 1927 से 1944 तक वो उसके फाउंडर एडिटर रहते हैं. फिर हेंस पेन इज राइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी. इसलिए शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक हम पेन ने साहब को मान सकते हैं, या है ही, क्योंकि उन्होंने इतना बेसिक काम किया उस पर. अकॉर्डिंग टू हिम, तो वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं शैक्षिक समाजशास्त्र को? वो कह रहे हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द साइंस, ये एक तरीके का विज्ञान है, विच डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द इंस्टीट्यूशन, जो कि व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है उन संस्थानों का, दैट इज द सोशल रिलेशनशिप इन विच द इंडिविजुअल गेन्स एंड ऑर्गेनाइजेस हिज एक्सपीरियंस. यानी कि वो सामाजिक अंतः संबंध जिसमें कि एक व्यक्ति प्राप्त करता है और संगठित रखता है अपने अनुभवों को, यानी कि एक व्यक्ति किस तरीके से अपने अनुभवों को प्राप्त करता है, संगठित रखता है, वो क्या सामाजिक ताना बाना है, उसके बारे में एजुकेशनल सोशियोलॉजी बात करी. तो अभी ज्यादा अंतर क्लियर नहीं होगा, आप आगे डायग्राम में देखेंगे, फ्लो चार्ट में देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है और एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है. देखिए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये कह रही है कि इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सोशल प्रोसेसेस एंड सोशल पैटर्न्स इन्वॉल्व्ड इन द एजुकेशनल सिस्टम. यानी हमारा जो शैक्षिक तंत्र है, शैक्षिक निकाय है, उसमें जो सोशल प्रोसेसेस चल रही हैं, जो सोशल पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उसी का वैज्ञानिक अध्ययन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है. जबकि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है? ये एप्लीकेशन है. जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी हम क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का एजुकेशन में इम्प्लीकेशन. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का एजुकेशन में इम्प्लीकेशन. उसी तर्ज पे एजुकेशनल सोशियोलॉजी भी एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है. क्या करेगा? हम सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को अगर एजुकेशन में इन्वॉल्व कर लें, इंप्लीमेंट कर लें, अप्लाई कर लें, तो फायदा क्या होगा? इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा जगत की बहुत सी समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं. दीज फाइंडिंग्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस आर अप्लाइड टू द प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज. और इन जो हमको रिसर्चेस से फाइंडिंग मिलेगी, परिणाम मिलेंगे सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस से, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं किसमें? शैक्षिक प्रोग्राम बनाने में, शैक्षिक क्रियाओं को करने में. तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग है. सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? साइंटिफिक एनालिसिस है जो भी सोशल प्रोसेसेस और सोशल पैटर्न एजुकेशनल सिस्टम में चल रहे हैं. फिर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल अफेक्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स आउटकम्स. यानी कि जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं आपके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, और लोगों का अनुभव जो है उसमें, वो कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है और उसके आउटकम को, मतलब जो निकल के आ रहा है, जो ग्रेजुएट्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स उत्पन्न कर रहा है शिक्षा जगत. वन लर्न्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल बिहेवियर्स ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम ये सीखते हैं कि गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है.
तो इसमें क्या आ जाएगा आपका एडल्ट एजुकेशन, मास एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सब एक तरीके से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल फील्ड है, मेनली ये थ्योरेटिकल फील्ड, जबकि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकल फील्ड है। ये सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एजुकेशन की फील्ड में है, जिससे हम बेहतर इंडिविजुअल उत्पन्न कर सकें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इसका इंफेसिस क्या है, मोर इंफेसिस ऑन द अचीवमेंट और एंड रिजल्ट्स ऑफ द एजुकेशन ऑन एन इंडिविजुअल। मतलब इसका मुख्य महत्व इस पर है कि जो एंड रिजल्ट आ रहा है, जो एजुकेटर्स, जो ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, वो उन पे क्या उसका अचीवमेंट है। मोर इंफेसिस ऑन द अचीवमेंट और एंड रिजल्ट्स ऑफ द एजुकेशन ऑन एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति की पर किस तरीके की उसको शिक्षा मिल रही है, हमारा जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से उसको इफेक्ट कर रहा है, एंड रिजल्ट पे इम्फेसिस है। जबकि इम्फेसिस यहाँ पे किस पे है, हाउ एजुकेशन कुड बी इम्प्रूव्ड थ्रू रिसर्च वर्क। ये इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैसे इफेक्ट करता है एजुकेशन को और इंडिविजुअल को, उसके अंतिम आउटकम को। जबकि ये कह रहा है आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी, कह रहा है कि किस तरीके से शिक्षा को हम सुधार सकते हैं, रिसर्च वर्क एप्लीकेशन है ना, तो रिसर्च वर्क एंड ट्राई टू फाइंड न्यू प्लान्स एंड एक्टिविटीज फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, और फ्यूचर में हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च से एजुकेशन को। ओके और वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी ब्रांच ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी हो गई, यानी अनुप्रयोगात्मक समाजशास्त्र की शाखा है। जबकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये अप्लाइड ब्रांच नहीं है, ये फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। यानी कि सोशियोलॉजी में आप स्पेशलाइज होना चाहते हैं तो आप सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ लीजिए। समझ में आ रही बात। फिर आपका ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द वेरियस मेथड्स प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन टू सोसाइटी थ्रू एन इन डेप्थ रिसर्च ऑफ अवर कल्चर इन सोसाइटी। यानी कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हम अपने कल्चर का, अपने साहित्य का, अपने समाज का इस तरह से अध्ययन करेंगे ताकि उसकी जो रिजल्ट निकले उससे हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें इंडिविजुअल को। जबकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या कह रहा है, वेयर इज द एक्सपर्ट्स ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ओपाइन, उनका विचार है कि दैट एजुकेशन इज लुक्ड अपॉन एज एन एंडेवर। वो कह रहे हैं कि शिक्षा एक प्रकार का प्रयास है बाय विच चिल्ड्रन कैन डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जिससे कि जो छात्र हैं वो अपने आप को विकसित कर सकते हैं अपनी समस्याओं के आधार पर, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर। और एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या कह रहा है कि इट स्टडीज एजुकेशनल सोशियोलॉजिकली, यानी कि हमको शिक्षा को सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देख रहे हैं तो वो शैक्षिक समाजशास्त्र है। इट इम्फेसाइज द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। इसका मेन इम्फेसिस क्या है कि हमको सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना है, सोसाइटी की प्रोग्रेस करना है थ्रू एजुकेशन करना है, और कैसे बेहतर कर सके इसके लिए रिसर्चेस चलती है। तो ये अप्लाइड फील्ड है, जबकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन थ्योरेटिकल फील्ड है। ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी है, जबकि वो स्पेशलाइज फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी है। ओके, तो आई थिंक नाउ इट इज मोर क्लियर to you। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी को अब एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की तर्ज पे देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। और समझ लीजिए कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये नहीं है, ठीक है। थोड़ा गला खराब है, सॉरी। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप 2। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।